जीरो क्या है? जीरो नेचुरल नंबर में तो आती नहीं है, इरेशनल में भी नहीं है, नॉन रियल भी नहीं है। जीरो क्या है? रैशनल नंबर। जीरो को लिख सकते हैं जीरो को जीरो बाय वन, विच इज अ रैशनल नंबर। कितनों का ठीक है? ठीक है तो लिख दो यस। अगर आपका ठीक है तो लिख दो यस। नेक्स्ट करते हैं फिर। यस ये क्वेश्चन था। सपोज ये अपना टी है, अपने को टी की वैल्यू निकालनी है, स्केरिंग कर देंगे। जब हम इसकी स्केरिंग कर देंगे, वैसे तो ऑरल भी हो सकता है पर मैं लिख के करूंगा आप लोगों के लिए, आपको समझ आ जाए। ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू अपने पास 2, 2 माइनस 2 कितना आ गया 0, सो टी स्केयर 0, सो टी भी कितना आ जाएगा 0, ए ऑप्शन। द मीन ऑफ 5 प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर है 2, अगला 3 है, अगला 5 है, अगला 7 है और पांचवा प्राइम नंबर है 11, इन सब का निकालना है मीन। तो कितना आ गया? 3 2 5 और 5 10 और 17 और 11 28 बटा 5, जो कि हमारे पास आ जाएगा 5.6। यस कितना फास्ट है। कहते हैं मैथ बड़ा टाइम लेता है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आज के पेपर में उल्टा कर दिया, मैथ ने टाइम बचा दिया है। बड़े आसान क्वेश्चन। रैशनल नंबर किसका सबसेट होता है भाई? रियल नंबर का। नेचुरल नंबर काउंटिंग में आ गए, होल नंबर का सबसेट होता है, होल नंबर इंटीजर के होते हैं, इंटीजर रैशनल का सबसेट होता है, रैशनल रियल का, रियल कॉम्प्लेक्स का। इरेशनल तो इस सीरीज के बीच में आता ही नहीं है, वैसे इरेशनल भी रियल का होता है, तो रैशनल नंबर किसका सबसेट है? रियल नंबर का। अरे यार क्या मस्त क्वेश्चन आया, ऐसे लग ही नहीं रहा बीएड वालों का पेपर था। क्यूब रूट पूछा है भाई, है ना, ये यहाँ पे क्यूब रूट ऐसे है। 7 49 को लिख सकते हैं 7 × 7, तो 3 में से 1 7 बाहर आ जाएगा। ओरल क्वेश्चन था। यस चलो मैं आपसे सॉल्व करवाता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा आपने कौन सी ऑप्शन दी। तो यस इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने इसका क्या आंसर दिया? मीन का मतलब होता है सारे नंबर्स को जोड़ के जितने नंबर है उसे डिवाइड कर देना। इसका फार्मूला है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स, एक एन पहले था, एन से एन कट गया, ये आंसर आएगा। जहां से मैंने पिक मंगवाई, जहां से आई, उसने ऑप्शन ए लगाई हुई थी, एन काटना भूल गए, तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। यस हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर आर देयर इन द हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम? स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर और लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर ये होता है, तो दोनों के बीच में टोटल नंबर कितने हो गए अपने पास? 9000। देखो ये तो है नहीं, फोर डिजिट नंबर 99 तो है नहीं, क्या आंसर आएगा? 9000। इसका एक तरीका भी होता है निकालने का, फोर डिजिट नंबर लिखने तो फर्स्ट डिजिट पे जीरो नहीं आ सकता, वन से नाइन में कुछ भी आ सकता है, सेकंड पे जीरो से नाइन पे कुछ भी आ सकता है, थर्ड पे भी जीरो से नाइन में कुछ भी आ सकता है, फोर्थ में भी जीरो से नाइन में कुछ भी आ सकता है। सो ये टोटल हो गया 9, 10, 10 और 10, सो 9, 10, 10 और 10 ये बन जाएगा 9000। यस टोटल कितने हमारे पास फोर डिजिट नंबर है? 9000। डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ फोर, आप आंसर देने से डरो नहीं, आप शेयर करो, जो होना था यार हो गया, तो आप शेयर करोगे आपकी क्लैरिटी आएगी। इस फोर की जो प्लेस वैल्यू है वो ये है और इस फोर की 40 है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो ये आपका आ जाएगा 3960। यस 625 होता है 5 की पावर 4 और ये होता है 4 की पावर 4, इसका मतलब 5 by 4 की पावर 4, 4 से 4 कट गया, पावर माइनस है तो उल्टा हो जाएगा, सो 4 by 5 × 4 by 5 × 4 by 5 विच इज 64 by 125। यस ठीक है आपका। अरे आप लोग तो यस भी नहीं बता रहे हो, यस नो में आंसर तो कर सकते हो, फिर क्या होगा? ठीक हो गया, गलत हो गया, कैलकुलेशन ठीक गलत चलती रहेगी, बोथ आर पार्ट्स ऑफ लाइफ। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, इसको हम लिख सकते हैं
बड़ी पावर हमेशा ऊपर लिखते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 एंड 3, ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो ये अपना आंसर आएगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे पावर 4 है तो इसकी बी ऑप्शन आएगी। यस, ये वाली ऑप्शन। तो टू स्टेप का ही क्वेश्चन था, 109 भी हमने कर लिया है। ये क्वेश्चन अच्छा डाला था, ए प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ये भी एक दो स्टेप का ही, ये कट गए दोनों। सो अपने पास आ गया ए बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब या तो ए जीरो या बी जीरो, आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, और ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी कि ए इक्वल टू माइनस बी, ये आपकी ऑप्शन आ जाएगी सी। लॉजिक अचानक से क्वेश्चन बिल्कुल, एक कौन था एक सफियर है, दोनों का रेडियस भी इक्वल है और वॉल्यूम भी इक्वल है। वॉल्यूम का फार्मूला कौन का 1/3 πr²h, सफियर का वॉल्यूम है 4/3 πr³। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, रेडियस सेम था तो कट गया। सो h इक्वल टू 4r आ गया, h बाय, मैं इस 4r को लिख लेता हूं 2 into 2r, 2r नीचे ले आया, ये आ गया 2/1। 2r क्यों लिया है, उसने पूछा है देन रेशियो बिटवीन, यहां पे भी टाइपिंग में रह गया हाइट, हाइट ऑफ द कोन एंड डायमीटर, एंड डायमीटर कितना आएगा 2:1, 2:1, यस 2:1, क्लियर है सबको। द रेशियो बिटवीन, 117 पे पहुंच गए, 120 तक ही जाना है, बाकी तो साइकोलॉजी के 2 मिनट में हो जाएंगे वो तो, उसके पैडागोगी के। द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड आर 5:4, कितना आसान, 5th क्लास का क्वेश्चन है, 5th 6th क्लास में करते हैं। लेंथ 5x है, ब्रेथ 4x है, कहते ब्रेथ इज, ये हमारी ब्रेथ है, ये हमारी लेंथ है, ब्रेथ इज 20 मीटर लेस देन द लेंथ, सो 5x 4x माइनस 20, 5x माइनस 4x इक्वल टू 20, x आ गया हमारे पास 20 मीटर, x हमारे पास आ गया 20 मीटर, x को 20 पुट कर देंगे, ये आ गया 80, ये आ गया 100, हमें निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब जहां से शुरू किया वहीं घूम के वापस आ गया, ये भी 100 हो गया, ये भी 80 हो गया, सो 200 360, सबको प्लस कर दिया, वेरी गुड। रीना रानी, अमनदीप कौर, वेलकम अमन, गुड। फॉर ए डाटा मीन इज दिस, मीडियन इज दिस, मोड बताना है, मोड का क्या फॉर्मूला है, 3 median - 2 mean, सो 3 3s are 9, 2 2s are 4, आंसर कितना आएगा 5, यस yes. तो बी ऑप्शन आपकी आ गई है, सिंपल सही क्वेश्चन था, मजेदार पेपर, मजा करा दिया आज तो, कहते देर से आया लेकिन बहुत अच्छा आया, सबका क्लियर हो जाएगा, गुड। चलो आप लोग बताओ जल्दी से, थोड़ा पार्टिसिपेट करो, इसका क्या आंसर आएगा। 5 नंबर का मीन है अपने पास 18, कोई 5 नंबर है उनका मीन है 18, यस, इसका बता दो क्या आंसर आएगा सब, तो सबका सम कितना हो जाएगा 90। अगर एक नंबर को वो कहते छोड़ दिया जाए, कोई भी एक नंबर छोड़ दो, 4 नंबर बच गए, मान लो x5 छोड़ दिया, तो मीन कितना आ गया अपने पास 60, तो ये अपने पास आ गया 64। सो 5 नंबर का जो सम है x1 x2 x3 x4 और x5, 5 नंबर का सम है 90, 4 नंबर का सम है 64, जो 5वां नंबर कट गया वो कितना पड़ गया अपने को 26। इस नंबर पर जाके क्या लिखोगे, हाय गवर्नमेंट एग्जाम दोस्त, ऑल इंडिया एग्जाम्स सीटेट, इसमें फ्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सीटेट के प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, सीटेट का सिलेबस मिलेगा, और हमारी वीआईपी कम्युनिटी का लिंक, इसको ज्वाइन कर, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं बहुत कुछ डालू।